हे गाइस, वेलकम बैक टू एजे आर्ट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो काकाशी को फ्रॉम नारुतो। तो आज का वीडियो एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो है एंड इसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फेस ड्रॉ कर सकते हो कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अपनी कॉपी पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। ओके गाइस, तो स्टार्ट करेंगे ड्राइंग। और यहाँ पे मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, मैकेनिकल पेंसिल। और आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, उसे अच्छे से शार्प कर लेना बस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आप कोई भी सर्कुलर चीज़ यूज़ कर सकते हो, कंपास यूज़ कर सकते हो सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एंड अब उसको क्या करना है, बीच में से हाफ कुछ इस तरह से डिवाइड करना है दो पार्ट में, ठीक है, वर्टिकली। और अब हमें हॉरिजॉन्टली भी इस तरह से करना है, एक पॉइंट मार्क करना है, ठीक है, सेंटर में। और उस सेंटर से नीचे तक मेज़र करते हुए हमें डिस्टेंस मेज़र कर लेना है। और फिर एक नीचे की तरफ पॉइंट मार्क करना है उतने डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हमारा चिन के लिए हो जाएगा। एंड अब साइड में हम लोग लाइन्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एक पूरे हेड की जो है शेप हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करके दी अब स्टार्टिंग में सर्कल ड्रॉ किया था उसको इरेज कर देते हैं। एंड अब जो हमारी पूरी शेप है ओवरऑल हेड की, अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये हमारी हो जाएगी आइज़ के लिए लाइन, ठीक है। और अब इसी के ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन और, वो होगी हमारी आईब्रोज़ के लिए। एंड अब जो नीचे वाला पार्ट बचा है उसमें, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उससे हमारी नोज़ की जो है लोकेशन है वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। और अगर कहीं पे भी आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हो। और अब यहाँ पे मैं नोज़ को थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने लाइंस ड्रॉ करी है दो, ठीक है। और साइड में हम राइट साइड भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, अब आइस को ड्रॉ करेंगे। और आइस को ड्रॉ करेंगे सिंपली दो पॉइंट्स मैंने पहले मार्क कर लिए हैं। एंड जितना पॉइंट्स हमने राइट साइड मार्क किए हैं उतना ही हमें लेफ्ट साइड भी मार्क करना है। और दोनों तरफ हमें इक्वल रखनी है आइस को, ठीक है। और जो आइस के बीच का डिस्टेंस है वो भी ऑलमोस्ट एक आई के बराबर होता है, तो वो भी आप चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड अब जो है राइट वाली आई है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ और एकदम शेप में, मतलब ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और जो लेफ्ट वाली आई है वो हमारी क्लोज आई है तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल एक राउंड सी शेप ड्रॉ करनी है एंड ऊपर की तरफ हल्का सा दिखा देना है। राइट, तो इतना हो जाने के बाद अब बढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ और जो यहाँ पे बैंड एक तरह से बांध रखा है सर पे वो दिखाएंगे। सिंपली मैं यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ और साइड से उन्हें कर्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ भी हम कुछ इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और अब ड्रॉ करेंगे हम लोग ईयर्स, कान को ड्रॉ करेंगे। और ईयर्स ड्रॉ करने के लिए आप जो हमारी आइज़ की लाइन थी वहाँ से मेजर करते हुए नोज़ जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ तक ड्रॉ करेंगे। और लेफ्ट साइड भी इसी तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ईयर्स को बड़ा कर दिया है तो मैं यहाँ पर थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ, और छोटी मोटी गलतियाँ होंगी तो हम उन्हें फिक्स करते रहेंगे बाद में। और इसी तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे आगे। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं नीचे और यहाँ पे मास्क जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग ऊपर थोड़ी और डिटेल वगैरह है वो फिल कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेड। अब ऊपर हेयर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। और हेयर्स के लिए फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं पहले एक रफ जो है एक आइडिया ले रहा हूँ कि मुझे कितने डिस्टेंस तक ड्रॉ करना है। मतलब तो यहाँ पे आप हेयर्स को कैसे मेजर कर सकते हो, जो हमने बैंड ड्रॉ किया था वहाँ से नीचे चिन तक उतना हमें डिस्टेंस मेजर करना है। और ठीक ऊपर की तरफ से बैंड जहाँ पर ख़त्म स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पॉइंट को मार्क करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस पर हमें जो है हमारे हेयर्स वो ड्रॉ करना है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ओवरऑल जो बॉक्स टाइप का है कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जिसमें हमें हेयर्स को ड्रॉ करना है। ओके, एक रफ आइडिया है। एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हेयर्स को ड्रॉ करना। और हेयर्स को एकदम मैं प्रॉपरली फॉर्म में फ्लो में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल टाइप
ट्रायंगल्स टाइप की शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड बाद में हम इन्हें और जो है स्ट्रक्चर देंगे और इन्हें फॉर्म में ड्रॉ करेंगे जो एक्चुअल हेयर्स हैं। ठीक है, सिंपली अभी यहाँ पे थोड़ा इजी बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंड इसी तरह से आप भी ड्रॉ करिए एंड बाद में हम लोग जो है और थोड़ा कर्व जो है इन ट्रायंगल्स में ऐड करेंगे। ओके, तो इतना हो जाने के बाद अब बढ़ते हैं हम लोग नीचे और अब ड्रॉ करेंगे हम लोग नेक, और नेक हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ दो लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एंड कुछ और लाइंस जो नेक में बोन्स और मसल्स जो हैं वो दिखाती हैं। ठीक है, और साइड में शोल्डर्स के लिए ड्रॉ कर देंगे दो लाइंस कुछ इस तरह से। और जो हमारे बैक में हेयर्स हैं ईयर के पीछे जो दिखाई दे रहे हैं वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। एंड अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जैकेट जो पहन रखा है काकाशी ने। ओके, तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो एंड पॉज करो, अच्छे से ड्रॉ करो और कोशिश करो कि वीडियो के साथ में ड्रॉ करो, जितना हो सके वीडियो को अच्छे से फॉलो करो और जो जो मैंने टिप्स बताए हैं उन्हें फॉलो करते रहो, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आप इस वीडियो से अच्छे से बेनिफिट ला पाओगे। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड को भी ज़्यादा नहीं रखा है सो दैट आप वीडियो के एकदम साथ में ड्रॉ कर सकते हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइस, तो इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग ऊपर जो हेयर्स जो फॉल कर रहे हैं नीचे की तरफ वो दिखा देते हैं। ठीक है, एंड सिंपली जैसे हमने ऊपर की तरफ हेयर्स ड्रॉ किए थे ट्रायंगल्स ड्रॉ करके, सेम वैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ और देन फिर बाद में हम लोग इसको और अच्छे से फ्लो में जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, तो ये हमारा स्केच और यहाँ पे मैं आईबॉल ड्रॉ करना भूल गया था तो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। एंड ये हमारा कंप्लीट स्केच और अब क्या करना है, जो हमने स्टार्टिंग में जो सर्कल और जो लाइंस ड्रॉ करी थी उन्हें इरेज कर लेते हैं और हल्का सा यहाँ पे जो है पूरे स्केच पे एक हल्का सा लाइटली जो है इरेज कर लेते हैं एंड फिर हम लोग कम्प्लीटली क्लीन लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही हल्के हाथों से लाइटली इरेज करना है और पूरा इरेज मत करना। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैं एक डार्कर पेंसिल ले रहा हूँ और इसकी मदद से यहाँ पे जो है मैं लाइंस को ड्रॉ करने वाला हूँ एंड अब आप इन्जॉय करो, ये एक टाइम लैप्स वीडियो है क्योंकि जो मेन पार्ट था वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया और अब आपको सिर्फ करना क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लाइंस ड्रॉ करी थी उनको थोड़ा और डार्क करना है और थोड़ा अच्छे से क्लीनली ड्रॉ करना है एंड जो हेयर्स हैं अब उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे से फ्लो में ड्रॉ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैं जितने भी हेयर्स की जो फ्लो है जिस डायरेक्शन में हेयर्स फॉल हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से उन्हें दिखाने की और जो छोटी मोटी गलतियाँ हैं वो भी हम लोग यहाँ पे फिक्स करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड अगर आपको ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस का चाहिए, किस कैरेक्टर को ड्रॉ करना है, कौन सा आपका फेवरेट एनिमे है उसको ड्रॉ करना चाहते हो तो वो मुझे बताना, मैं ज़रूर उस पर ट्यूटोरियल बनाऊंगा।
ओके तो अभी यहाँ पे मैं अपनी मैकेनिकल पेंसिल को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और शेडिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक शेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। रेफरेंस मैंने साइड में पिन कर दिया है, आप उसको देख सकते हो, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हो और जैसे यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एक मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा आपको, अगर आप शेडिंग कर रहे हो इस तरह से तो स्टार्टिंग में जब भी आप शेडिंग करो तो हल्के हाथों से लाइटली शेड करो, ठीक है। एकदम फर्स्ट टाइम में डार्क करने की कोशिश मत करो, पहले आप लाइटली शेड करो हल्के हाथों से। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और डार्क होना चाहिए तब आप वहाँ पे एक और लेयर कर सकते हो पेंसिल की अप्लाई, जिससे आपकी शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगी और एकदम पैची से जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएंगे आपके। तो इसलिए आप लेयर बाय लेयर जो है शेड किया करो, जिससे आपकी ड्राइंग जो है और भी अच्छी लगेगी। ओके होगे गाइस। तो यहाँ पे मैंने स्केच कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे मैंने एक डार्क पेंसिल की वजह से थोड़ा यहाँ पे डार्क किया है, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट इसमें ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो आउटलाइंस है मैंने वो उन्हें थोड़ा थिक किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ किया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।